कृष्णा सोबती भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका हैं। मित्रों, मरजानी उन्हीं का बहुचर्चित उपन्यास है। यह गांव में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला सुमित्रावंती यानी कि मित्रों की कहानी है। मित्रों अपनी बात को बिना हिचकिचाए बेबाकी से रखती है, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को भी बिना हिचकिचाए प्रदर्शित करती है। आइए सबसे पहले इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। गुरुदास परिवार का मुखिया है और धनवंती उनकी पत्नी है। इनके सबसे बड़े बेटे बनवारी लाल की पत्नी है सुहागवंती यानी कि सुहाग। मंझले बेटे सरदारी लाल की पत्नी सुमित्रावंती यानी कि मित्रो। और सबसे छोटे बेटे गुलजारी लाल की पत्नी है फूलावंती यानी कि फूला। गुरुदास और धनवंती की एक बेटी भी है जिसका नाम है जनको। तो आइए उपन्यास शुरू करते हैं। गुरुदास आज दिन में ही दर्द से परेशान होकर दांत वाले डॉक्टर से अपनी एक दाढ़ निकलवा कर आया है। धनवंती ऐसा कहकर कि गर्म दूध पीने से सिर को आराम मिलेगा, दूध लेने चौके में जाती है। रसोई से दूध ले आते वक्त धनवंती की सबसे छोटी बहू फूलावंती यह कहकर टोक देती है कि बापू तो अब दाढ़ निकलवा कर आए हैं ना, अब तो दर्द में आराम होगा। धनवंती चुपचाप दूध का गिलास लिए वापस कमरे में आ जाती है। धनवंती का मन यह सोचकर परेशान है कि घर के मालिक के लिए इतने से दूध पर भी नजर। दूध देकर धनवंती गुरदास के पास ही बैठ जाती है। गुरदास घरवाली को कुछ कहने जाते थे कि मंझली बहू के कमरे से मार पिटाई की आवाज सुन दोनों सहम गए। जैसा अभागा अपना सरदारी लाल, वैसी ही खपाने कलपाने वाली बहू मिल गई। धनवंती ने उठकर बाहर मंझली बहू की दहलीज पर से झांका। उड़े उड़े बिखरे बालों में सौदाई सी मंझली बहू सरदारी लाल से हाथ छुड़वाती थी और बड़ी बड़ी भूरी आंखों से अपने घरवाले को घूर रही थी। तहबंद कसे सरदारी लाल धौल जमाता था, नजर नीची करती है कि नहीं। पल भर को हक्की बक्की धनवंती देखती रह गई, फिर जैसे होश आया तो चीख कर कहा, सरदारी लाल। मगर सरदारी लाल ने मां की आवाज को नजरअंदाज कर दिया और एक बार गुस्से में फिर कहा, नजर नीची करती है कि नहीं। लेकिन मंझली बहू बड़ी बड़ी भूरी आंखों से अपने घर वाले का सामना वैसे ही करती रही। धनवंती ने भर्राए गले से कहा, पराई लड़की पर हाथ सरदारी लाल, मेरे लिए डूब मरना अच्छा, मेरे लिए डूब मरना अच्छा है। मां की ऐसी थरथराती और कांपती आवाज सुनकर सरदारी लाल कुछ शांत हुआ। धनवंती मंझली बहू की कलाई पकड़कर उसे बाहर ले आती है और आवाज देकर अपने बड़े बेटे को बुला लेती है। बनवारी तेरा भाई गुस्से में सौदाई हुआ बैठा है, चल के उसे ठंडा तो कर बेटा। जेठ बनवारी लाल ने एक नजर सुमित्रावंती की ओर देखा और रोबीले गले अपने घरवाली से कहा, सुहाग मंझली को लेकर अंदर जा बैठ, और अपने आप सरदारी के कमरे की ओर बढ़ चला। फिर कमरे में ले जाकर सुहागवंती सुमित्रावंती को समझाने लगी। सुहाग मित्रों के पीछे जा बैठी और कंघी से उसके बाल सुलझाने लगी। धनवंती उठकर बाहर आई और बेटे सरदारी लाल से कहा, यह रोज रोज की लड़ाई हम जैसे भले घरों की चालें नहीं। सरदारी लाल ने आंख उठाकर मां की ओर नहीं देखा, छत की ओर ताकते ताकते कहा, क्या कहूं मिरासियों से इसके यह चाल चलन। धनवंती ने गुस्से में कहा, अरे उल्टी बुद्धि वाले क्या बकता है, मेरी बहू की तुलना जात कम जात से। सरदारी लाल ने अपनी आंखें मां की ओर घुमाई और कहा, मां मेरी बात ये पल्ले बांध ले, ये नूर महलन इस घर का नाम धाम सब ले डूबेगी या फिर मुझे ही काले पानी भिजवा देगी। बड़े बेटे बनवारी लाल ने कहा, मां तू बापू के पास जा बैठ। धनवंती अपने कमरे में वापस चली गई। धनवंती अंदर आई तो गुरदास की आंखें लग गई थी, फिर बत्ती बुझा खुद भी बैठी बैठी फिक्रों में गोते खाने लगी। थोड़ी देर बाद सास के निकट आकर सुहागवंती ने कहा, आपके बड़े बेटे ने बहन मित्रों को बुलाकर मुझे कमरे से बाहर कर दिया है। फिर जैसे ही मंझली बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है तो धनवंती झकझोर कर गुरुदास को उठा देती है। गुरुदास हड़बड़ा कर उठे, बाहर सरदारी लाल के कमरे में जाते हैं तो देखते ही रह गए। मंझली बहू नंगे सिर चारपाई पर बैठी हिन हिन हंसती थी और बड़ा लड़का बनवारी छाती पर हाथ रखे
खड़ा खड़ा दांत पीसता था। गुरुदास गुस्से में बोले, सरदारी लाल तेरे होश ठिकाने हैं, बहू से कह कपड़ा करे। बड़े बेटे ने अपनी मां की ओर देखकर कहा, अम्मा मुझसे कुछ ना कहलवाओ, बापू सुन नहीं पाएंगे। फिर बड़ी बहू सुहागवंती सास की मिन्नत कर सास ससुर दोनों को उनके कमरे में वापिस ले आती है। सास बहू को समझा बुझाकर जब सुहागवंती बाहर आई तो दोनों भाइयों को गुमसुम खड़े देखकर सहम गई। सुहाग ने मित्रों से कहा, मित्रों बहन काहे का झंझट बखेड़ा है, देवर जो कहता है मान क्यों नहीं लेती। मित्रों ने पहले सरदारी की ओर देखा और फिर बनवारी की ओर आंखें चमका दी। अरे मेरी प्यारी जेठानी, तुम क्या जानो यह किससे प्रीति प्यार के। बनवारी से सुना नहीं गया। भाई का हाथ पकड़कर बाहर खींचते हुए कहा, मंजली को अपने कमरे में सुला ले सुहाग। दोनों भाइयों ने बाहर जाकर जब कमरे का किवाड़ भिड़ाया तो मंजली माथे पर हाथ मार बोली, अरे बुरे माथे वाले, मर्द जन होते तो या चटकारे ले ले मुझे चाटते, या फिर शेर की तरह कच्चा चबा डालते। सुहाग ने देवरानी की ओर नहीं ताका और कहा, अब चिंता जंजाल छोड़, तनिक आराम कर लो। मित्रों ने ओठ बिचकाए, अरे चिंता जंजाल किसको है, जेठानी तुम्हारे देवर सा बकलोल कोई दूसरा न होगा, न दुख न सुख न प्रीति प्यार न जलन प्यास, बस आए दिन दौल दप्पा लड़ाई वड़ाई बास। एकाएक आंखों में कोई मद उतर आया, खींच गले की ओढ़नी उतारी, कुर्ता फिर सलवार उतारकर परे फेंक दी और हंस हंस बोली, बनवारी कहता है मित्रों तेरी देह क्या नीरा शीरा है, शीरा। अरे इसी शीरे में मेरी जान को डंक मारते सर्पों की फौजें पलती हैं। सुहाग का चेहरा काला स्याह पड़ गया, कानों पर हाथ रख बोली, हाथ जोड़ती हूं देवरानी, मेरे सिर पाप न चढ़ा। मंजली फटाक से बिछोने पर सीधा लेट गई, ऊपर कुछ ओढ़ा नहीं। फिर मित्रों ने आवाज दी, अरे जेठानी थोड़ा इधर तो देख। सुहाग ने कहा, इन भाइयों के कान बड़े पतले हैं री, सुन लेंगे तो। मंजली लेटी लेटी उठ बैठी, हाथ छातियों पर रखकर कहा, सच कहना जेठानी, क्या ऐसी छातियां किसी और की भी होंगी। मंजली ने निर्लजता से बाहें फैला दी, अरे मेरे जेठ की सती सावित्री जेठानी, मेरे जेठ से कह रखना, जब तक मित्रों के पास यह ताकत है मित्रों मरती नहीं। यह सुनकर भले स्वभाव वाली सुहागवंती एकदम रणचंडी बन गई, गुस्से में कहा, चुप री धर्मपीटी, उठकर कपड़े पहन ले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी का गुस्सा देखकर मित्रों ने हंसते हंसते कपड़े पहन लिए। अब तुम ही बताओ जेठानी, तुम जैसा सतबल कहां से लाऊं, देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता। मेरी देह में इतनी प्यास है, इतनी प्यास की मछली सी तड़पती हूं। सुहाग फटी फटी आंखें देवरानी को ऐसे ही तकती रही। मित्रों ने सिरहाने पर सिर रखा और आंखें मीच अपने को समझाया, मित्रों रानी चिंता फिकर तेरे बैरियों को, जिस घड़ने वाले ने तुझे घड़ दुनिया का सुख लूटने के लिए भेजा है वही जहान का वाली तेरी फिक्र भी करेगा। बंद आंखों में बनारसी का यार नयामत थानेदार दिख पड़ा, फिर सपने में उसी से प्यार भरी बातें करते करते मित्रों सो गई। जब मित्रों सुबह उठी तो दरवाजे के पास जेठ की परछाई देखकर ठिटक गई। कल रात की बात याद कर मस्खरी से छोटा सा घूंघट निकाल कर बोली, जेठ जी अपनी जेठानी के तुल्य तो मैं कहां, मगर एक नजर इधर भी। सुना अनसुना कर बनवारी लाल वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद आकर सुहाग ने देवरानी से कहा, उठ मंजली नहा धो ले, आज छोटी का जी अच्छा नहीं है, मैं आंगन को झाड़ू लगा देती हूं, तुम रसोई संभाल लो। अरे जेठानी ये फूला आए दिन स्वांग रचती रहती है, कभी हड्डी टूट गई, कभी माथा फटता है, कभी कमर दुखती है। सुहाग का जी तो हुआ खुलकर हंस ले, पर गंभीर बनी रही, पुचकार कर कहा, उठ मेरी बहना जल्दी नहा धोआ। मित्रों नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकली और फूला के कमरे में चली गई। वहां देखती है उनका देवर उनकी देवरानी के हाथ मल रहा है। मंजली दिल में हंसी, ऊपर से देवरानी को चुमकार कर कहा, हाय हाय फूलावंती,
इस कच्ची उम्र तू कैसे कैसे रोग लगा बैठी, ये तो दिल का रोग है। इसके बाद मित्रों और उसकी देवरानी में मीठी नोकझोंक होने लगी। इस बीच धनवंती भी कमरे में आई। उसने फूला को समझाया, बेटी जेठानी के मुंह न लग, कुछ खा पी और आराम कर। फूलावंती ने कहा, यह मीठी मीठी बातें रहने दो माँ जी, मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ मेरी जान को बनाई है, सब मुझसे जलते भूनते हैं। मेरे बाप भाई धनी साहूकार हैं इसीलिए तो। मित्रों ने देवर को आंख मारी, धनी साहूकार क्यों फूलावंती, ये क्यों नहीं कहती राजे महाराजे हैं, चार बड़ियों और चार पापड़ का साहूकारा है उनका। फूलावंती पटाख से चारपाई से नीचे उतर आई, एक बार जलती निगाह से घरवाले को देखा और फिर ऊंचा ऊंचा रोने लगी, मैं सब जानती हूं, बैरी मुझे इस घर बसने नहीं देंगे, मेरे गहने पर आंख जो है सबकी। फिर सास और फूलावंती में ही नोकझोंक होने लगी। मंजली दूर बैठे बैठे ही इस वाक युद्ध का आनंद ले रही थी। आखिर में सुहाग आई और समझा बुझाकर सास को अपने साथ ले गई। जेठानी के संग सास को जाते देख फूलावंती ने पीछे से आवाज दी, सास को भले ही ले जाओ जेठानी, पर कृपया करके मेरे गहने तो मुझे लौटा दो। सुहाग ने जवाब दिया, फूलावंती तुम्हारे गहने रख, मैं कोई राजपाट वाली नहीं हो जाऊंगी, यह तो बस कुटुंब कबीले का व्यवहार समझो। फूला ने कसकर जवाब दिया, जेठानी जो दूसरों का माल हथिया ले उनके लिए है ये व्यवहार, और जो हम जैसे माल खो दें उनके लिए है ये लूटमार। सुहाग को इस बात से बहुत दुख हुआ, वह गई और दोनों हाथ में फूलावंती के गहने लेकर लौटी और कहा, ये लो संभालो तुम ही। इस लड़ाई झगड़े से निपटकर मंजली अपने कमरे में वापिस आई और सरदारी लाल का बिखरा हुआ बिस्तर समेटने लगी। बिस्तर समेटने के बाद आईने में अपना मुंह देखकर हंस पड़ी, मेरा यह बेअकल मर्द जना यह नहीं जानता कि मुझ जैसी दरियाई नार किस गुर से काबू आती है, मैं निगोड़ी बन ठन के बैठती हूँ और यह बस लड़ाई झगड़ा करता है। जिसने नार मुटियार को साधने की पढ़ाई नहीं पढ़ी वह मुझ जैसी लड़की को क्या सधारेगा। फिर एकाएक सुहाग ने दरवाजे पर आकर कहा, मित्रों बहन तनिक चौकस हो, तुम्हें बापू ने बुलाया है, तेरे जेठ ससुर बहुत गुस्से में हैं देवरानी, वहां जाकर उल्टा सीधा मत बकना। जेठ के नाम से मित्रों खिल खिल आई, आंखें नचा सुहाग से कहा, जेठानी तुम्हारे हिये में बसा है वह राजा, नहीं तो उसका जोर जबर तेवर त्योरियां सब देख लेती। दोनों देवरानी और जेठानी ससुर के कमरे में आई तो धनवंती और दोनों बेटे भी वहीं बैठे थे। फिर बनवारी लाल ने मित्रों से पूछा, सरदारी लाल ने जो तुम्हारे बारे में देखा सुना है क्या वो सच है या झूठ। इसके जवाब में मित्रों ने कहा, ये सच भी है और झूठ भी। क्या सच क्या झूठ साफ साफ कहो। सच तो यूं जेठ जी कि मनुष्य की जात से थोड़ा हंस खेल लेती हूं, झूठ यूं कि खसम का दिया राजपाट छोड़कर कोई कोठे पर थोड़ी जा बैठी हूं। इसी बीच जब सरदारी लाल मित्रों पर गुस्सा करने लगा तो गुरदास ने बीच में डांट दिया और कहा, तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। गुरुदास के घर उनकी लड़की की चिट्ठी आती है जिसमें बैसाख में बेटी जनको के बेटे के मुंडन का जिक्र है। यह खबर देखकर गुरुदास बहुत खुश होता है और धनवंती से कहता है कि भगवान की दया से समधी जी के घर का पहला पोता जनको की गोद में पड़ा है, जरा ढंग का सामान जुटाना, कंजूसी ना करना। गुरुदास की बात सुनकर सोच में डूबी धनवंती लेटी लेटी उठ बैठती है और कहती है कि बनवारी लाल बहुत फिक्र में है, मंडी का उधार 4-6 दिन में नहीं चुकाया तो। गुरुदास खांसते खांसते कहते हैं, बूढ़े बाप ने चारपाई क्या पकड़ी, नलायकों ने सब काम चौपट कर दिया। पूछताछ होने पर मालूम हुआ कि छोटा बेटा गुलजारी लाल बनवारी लाल के नाम पर मंडी से रुपया उधार लेता रहा है और एक फूटी कोड़ी भी उसने वापिस नहीं लौटाई। इस बात के बाहर आने पर फूलावंती ने भरपूर ड्रामा रोना धोना किया, हम बेचारे किसी को नहीं सुहाते, क्या इस घर में हमारा कोई हक नहीं है, अगर ऐसा है तो हमारी छपरी अलग कर दो।
सरदारी लाल भी यह खबर सुनकर बहुत चिंतित हुआ अपने कमरे में बैठा था। दोपहर में खाना खाने भी वह रसोई में नहीं आया तो मित्रों खुद प्लेट में खाना डालकर कमरे में ले गई। किस बात की चिंता लिए बैठे हो, खाना तो खा लो कम से कम, सरदारी ने कहा। गुलजारी का ये छल कपट और मंडी से लिया उधार बस उसी की फिक्र है, खाने का मेरा कोई मन नहीं है अभी। मित्रों खिलखिलाकर हंस दी और इजारबंद से ताली निकाली और हाथ से उछाल कर कहा, अपने साहब जी के लिए जो इतना भी ना कर सके वह मित्रों न हुई कि कंगली हुई। मित्रों अपने सभी गहने और जमा राशि बनवारी को दे देती है और कहती है कि जाओ और इसे बेचकर सब हिसाब चुकता कर लो। यह देखकर सरदारी को विश्वास न हुआ। घरवाले को हक्का बक्का देखकर ओढ़नी मुंह में डाले मित्रों हंसती रही, फिर सरदारी के गले में बाहें डाल दी। सरदारी लाल कई बार मित्रों को तकता रहा, फिर पूछा, क्या सच में तुम? अरे हाँ हाँ सच में पक्का। सरदारी लाल मंडी का सारा उधार चुका देता है। भाइयों की लाडली बहन जन को अपने बेटे को संग लेकर अपने पिहर आई। अपने नाती को देखकर गुरदास और धनवंती बहुत खुश हुए। अब चिंता का कहीं दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं था। मगर इसी बीच फूला अपने पति गुलजारी लाल को लेकर अपनी माँ के घर चली गई और फिर वापिस नहीं लौटी। परिवार से वो अलग हो गई। कुछ दिन बाद सुहागवंती भी गर्भवती हुई। यह बात सुनकर धनवंती और गुरुदास बहुत खुश हुए, क्योंकि अब मंडी का सारा कर्ज दिया जा चुका था। तो अगली फसल पर धनवंती ने मित्रों के पास जाकर कहा, बहू तुम्हारे लिए झुमके गढ़वाने को मैं कह आई हूं। झुमके की बात सुनकर मित्रों के चेहरे पर भीनी सी मुस्कान तो आई, मगर उसने वही मस्खरी वाले अंदाज में कहा, झुमके गढ़वाओ सुहाग के लिए जो तुम्हें पोता पोती देने वाली है। इस पर धनवंती ने जवाब दिया, अरे सुमित्रावंती, कल को तेरे भी तो बच्चे इसी आंगन में खेलेंगे और तेरे एक दो नहीं पूरे 5-7 होंगे। मित्रों पहले सास को घूरती रही, फिर मुंडी हिला हिला बोली, अम्मा 5-7 नहीं पूरे 50-100 होंगे। मेरा बस चले तो पूरे गिनकर 100 को जन डालूं, मगर अपने लाडले बेटे का भी तो कोई आड़ तोड़ जुटाओ। निगोड़े मेरे उस पत्थर में कोई हरकत तो हो। ये देखो मेरी हष्ट पुष्ट देह भी सूखने को आई है। अब बेटे सरदारी लाल को लेकर धनवंती बनवारी से बात करती है और पूछती है, क्या सरदारी लाल में वाकई कोई शारीरिक कमी तो नहीं है? इस पर बनवारी लाल कहता है, सरदारी में कोई दोष नहीं है अम्मा, यह जोशीली नार छोटे मोटे मर्द के बस की नहीं। अम्मा इकबालों के लड़के निहाले को तो जानती हो ना, भरी मंडी में दुकान पर बैठे बैठे मित्रों पर आवाजें कसता रहता है। अम्मा इस मित्रों के बहाने हमारे घर पर 10-20 लड़कों की आंखें तो लगी ही हुई हैं। बनवारी कहता है कि अम्मा कुछ ऐसा करो कि ये मित्रों कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर हो आए, कम से कम कुछ आंखें तो कम हों। धनवंती की आंखों के सामने मित्रों की माँ यानी कि अपनी समधिन बालों का चेहरा घूम गया। बनवारी से कहा, उस अफराऊ औरत के पास तो और भी ज्यादा आशिकों की लाइनें होंगी। तकदीर की बात समझो जो सरदारी लाल के भाग ही पड़नी थी ये मित्रों, नहीं तो माँ बेटी के चरित्र का हमें पहले ही कोई सुराग मिल जाता। पर तकदीर के आगे किसका जोर। मित्रों सरदारी लाल को संग लिए अपने माँ के घर की ओर रवाना हुई। नूरमहल पहुंचकर तांगे से मित्रों जैसे ही उतरी तो अड्डे पर अनोखी सी हलचल मच गई। मित्रों को देख किसी का दिल मसका, किसी ने आह भरी, किसी का कलेजा मचला और किसी की कसकती आंख बालों के जवाई पर अटक गई। खूब फपतियां कसी गई, अरे बालों की गोरी जाई हंसती इतराती अपने खसम के साथ पीहर आई है। मित्रों के साथ चलते सरदारी लाल ने कान खोल खोल सुना, दांत पीस पीस पचाया और नजर नीची कर ससुराल की गलियां लांघता चला। घर पर बालों ने मित्रों और अपने जवाई का खूब आदर सत्कार किया। मर्द तो बालों की जिंदगी में बहुत आए हैं, मगर कभी पति का सुख नहीं मिला, इसीलिए सरदारी लाल को देखकर वो बहुत खुश थी। मित्रों की बातें सुन सुन बालों बहुत खुश थी। बालों ने कहा,
मित्रों, तेरी ये बातें सुनने के लिए मेरा जी तरस गया था। कुछ देर बाद जब बालो और मित्रों आपस में बातें कर रही थी, तो बालो को ज्ञात हुआ कि उसकी बेटी मित्रों अंग अंग से प्यासी है। सरदारी लाल उसकी तड़प पूरी करने में असमर्थ रहा है। अरे मित्रों, तुझ जैसी नार को कहाँ किसी मर्द की कमी है, जा डिप्टी के पास और मजे कर। डिप्टी जो कि वहीं आसपास में ही रहता था, मित्रों ने अचरज भरे स्वर में कहा, मगर माँ तुम्हारे इस जवाई का क्या? अरे उसकी फिक्र छोड़, तेरी माँ ने बहुतों को संभाला है। फिर मित्रों सज धज कर सरदारी लाल के पास जाती है और उसे खूब शराब पिला देती है। जब सरदारी लाल अत्यधिक शराब पीकर निढाल हो गया और बिस्तर पर लेटने गया, तब जाकर मित्रों ने सुख की सांस ली और बड़े प्रेम से सरदारी लाल की ओर देखकर कहा, तू ठहरा सच्चा मुच्चा मर्द, पर आग तो लगी है मेरे इस बदन में, इस भटकैया के मन में। जब मित्रों तैयार हो डिप्टी के पास जाने लगती है, तो मित्रों के मन में संकोच आ जाता है, कहीं सरदारी लाल नींद से उठ गया तो। बालो से कहा, मैं कहीं हाथ से अपना गबरू ना गवा बैठूं। बालो ने कहा, मैं यहीं बैठी हूं ना, पहरा तो दे रही हूं, तू जा आनंद मना, मौज कर। मगर मित्रों को सीढ़ियां उतरते जाता देख बालो के मन में ऐसी टीस उठी कि देह कांपने लगी, ये सोचकर कि कभी ये डिप्टी मेरे साथ मजे लेता था और वो आज मेरी लौंडिया मित्रों से रंगरलिया मनाएगा। थू हैरी बालो तेरी जिंदगी पर। बालो ने भर्राए कंठ से लड़की को आवाज दी, मित्रों ओ मित्रों, लौटा मित्रों, वापिस लौटा। हड़बड़ाई मित्रों वापिस आ गई, पास आकर फीके गले से पूछा, बीबो खैर तो है? ओढ़नी में मुंह लपेटे मित्रों की मां सिसकियां भरती रही। कुछ कहने के लिए बालो ने मुंह खोला, पर रुलाई से होंठ फड़फड़ाकर रह गए। मित्रों ने कहा, डिप्टी तेरा इतना ही खास मित्र है तो मुझे क्यों भेज रही हो? बालो ने सिर हिला हिला लड़की को कुछ कहना चाहा, फिर एकाएक कसकर मित्रों को बाहों में बींच लिया और कहा, तेरी माँ के जमाने लद गए री, अब कौन इसका मित्र प्यारा और कौन इसका संगी साथी। माँ की ऐसी हालत देखकर भौचक्की मित्रों से कुछ कहा नहीं गया, बस इतना कहा, तेरे दिलदारों की गिनती तो सैकड़ों में होती थी बीबो। लड़की की बात सुन बालो हाहाकार कर उठी, मित्रों का हाथ पकड़ रो रो कहती रही, अब इस ठंडी भट्टी का कोई संगी साथी नहीं, जिंदा तो जिंदा, कोई मरा मनुष्य तक भी नहीं। तेरी अकेली माँ को यह घर काटने दौड़ता है। एकाएक जाने क्या हुआ कि भय के मारे मित्रों का कलेजा दहक गया। मसान सा सूना घर भूतों के डेरे सा दिखा और कलपती माँ कोई भूखी प्यासी डायन। बालो लड़की को अपनी ओर खींचकर बोली, बेटी मुझे अब अकेले छोड़कर न जाना, मैं सरदारी लाल को भी मना लूंगी। अंधेरे में दमदमाते माँ के काले चेहरे पर दो चील की सी आंखें देखी तो चीख मारकर मित्रों परे जा छिटकी। मित्रों तड़प कर चीखी, तू सिद्ध भैरों की चेली, अब अपनी खाली कढ़ाई में मेरे और मेरे खसम की मछली तलेगी, सो ना होगा बीबो कहे देती हूं। फिर मित्रों छलांग मार माँ को ठेलते ठेलते सरदारी लाल वाली बैठक में चली गई और कुंडी चढ़ा दी। अगली सुबह जब सरदारी लाल ने आंखें खोली तो पास लेटी मित्रों ने अपने सैया के मुंह पर चुम्मे जड़ दिए, फिर आंखें नचा पूछा, साहिब जी पिछली रात सपने में कहाँ कहाँ के दौरे हुए और कहाँ कहाँ का पड़ाव हुआ? सरदारी लाल ने घरवाली को घूरा और कहा, रात ना तो कहीं का दौरा हुआ और ना कहीं का पड़ाव, बस हवा के घोड़ों पर बैठ जाने कहाँ से कहाँ निकल गए। मित्रों ने घरवाली की छाती में मुंह छिपा लिया। मेरे हरमन मौला, यही किस्सा बीता तुम्हारी मित्रों के साथ। फिर मित्रों ने अंगड़ाई ली और सैया के हाथ पैर दाबे। सरदारी लाल की सिर और हथेली होठों से लगा, झूठ मूठ का थूक कर वह बोली, कहीं मेरे साहिब जी को नजर न लग जाए इस मित्रों मर जाने की।